Cuties, welcome back to my channel. So guys, in today's video I'm going to share my Amazon beauty haul. So yeah, without any further ado, let's jump into the video. So guys, सभी का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज एक सिंगल माय हॉल स्टोर का लिंक भी मिलेगा जहां पे मेरा अमेजोन का सारा कलेक्शन अभी तक का मिल जाएगा कि मैंने क्या क्या अमेजोन से बाय किया है. और अमेजोन पे आपको काफी अच्छी अच्छी सेल्स मिल जाएंगी, तो उनको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मैंने बाय की है गाइस ये मामा अर्थ की लिपस्टिक, जो कि है क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक. दो शेड बाय किए हैं. फर्स्ट जो मेरा शेड है दैट इज 03 पिंक रोज, एक पिंकिश कलर का ये प्यारा सा न्यूड शेड है जो कि काफी खूबसूरत लगेगा हर स्किन टोन. प्लीज फोकस, हर स्किन टोन पे काफी प्यारा लगेगा. एक मोविश पिंकिश न्यूड शेड है, मुझे काफी पसंद आया है. एज वेल एज जो सेकेंड शेड है वो है 06 एप्रिकॉट टॉप, ये एक ब्राउनिश न्यूड शेड है. बहुत ही क्रीमी लिपस्टिक है, काफी प्यारे शेड है. बहुत सारी रेंज, मतलब बहुत सारे शेड है इस रेंज में. नेक्स्ट गाइस, आई गॉट दिस लाइनर जो कि है मेबेलिन का कोलोसल रेंज में. काफी अच्छा है लाइनर भी, और ये मेंशन है कि वाटर प्रूफ लाइनर है. काफी अच्छा है ये लाइनर, ही मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी को आजकल यूज कर रही हूँ एंड काफी अच्छा लग रहा है मुझे. नेक्स्ट मैंने यूज बाय किया है ये इनसाइड का कंसीलर, और ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आता है. ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है ये वाला कंसीलर. मैंने शेड जो बाय किया है वो है CR01 एंड ये 01 बहुत ज्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा लाइट है, बट काफी अफोर्डेबल था तो मुझे अच्छा लगा. लाइक NC1 पोर सेलिन इसका शेड नेम है, यू कैन सी. तो ये कुछ इस टाइप से आपको टब में मिलेगा, और आप देख सकते हो कि कितना क्रीमी प्रोडक्ट है, एज वेल एज मैं इसे कितना यूज कर चुकी हूँ. हल्का सा डिप करते ही बहुत अच्छे से पिक हो रहा है ये प्रोडक्ट, और काफी इजिली ये ब्लेंड हो जाता है एज वेल एज काफी ज्यादा क्रीमी प्रोडक्ट है. तो मैं इस कंसीलर को भी यूज करती हूँ कभी कभी, जैसे मेरा मन कर रहा है कहीं मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा ना मैं अच्छी लगूँ, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगूँ, बहुत ज्यादा ओवर मेकअप नहीं करूँ. तो हल्का हल्का 2-3 डॉट्स लगाए फेस पर, उसको फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया, इजिली ब्लेंड हो जाता है. काफी अच्छा है, स्किन में बहुत अच्छा लगता है ये. सो यस, हल्का सा लाइट है मेरे स्किन टोन पे, थोड़ा सा लाइट लगता है तो मेरे को फिर एक डार्क शेड का कंसीलर यूज करके थोड़ा सेट करना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट मैंने ट्राई किया ये जस्ट हर्ब के, ये आप देखो बहुत डर्टी लग रहा होगा आपको. ये मेकअप जस्ट हर्ब का नहीं, सॉरी अर्थ रिदम का, ये मेकअप रिमूवर है पैड इस टाइप का कुछ. नॉर्मली हम जो मेकअप रिमूवर पैड यूज करते हैं गाइस वो इतने ज्यादा मतलब यूज होते रहते हैं मेरे तो, क्योंकि मुझे वीडियोस वगैरह में बहुत काम आते हैं. लाइक ऑल्टरनेट डेज में मेकअप करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिसको पानी में जस्ट सोक किया और मेकअप रिमूव किया तो इजिली रिमूव हो जाए, तो इससे हो जाता है. ओके, अच्छा है. एंड गाइस, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, आप देख सकते हो फेस से भी काफी ज्यादा ऐसे स्वेट आ रहा है. नेक्स्ट मैंने बाय किया है ये टैक का लग्जरी परफ्यूम सेट, और ये गाइस इसमें आपको 2 परफ्यूम मिलेंगे, और ये ट्रस्ट मी बहुत अफोर्डेबल था. जस्ट 599 इस पे मेंशन है प्राइस, बट ये कुछ और भी ज्यादा सस्ते में आपको मिलेगा. इसमें ऐसे 2 वेरियंट मिल रहे हैं, तो बहुत ही प्यारे परफ्यूम है गाइस, ट्रस्ट मी काफी अच्छे. ये येलो वाला गर्ल्स यूज कर सकती हैं और ये ब्लू वाला मैन यूज कर सकते हैं. इसमें लाइक एक्वा सॉर्ट ऑफ फ्रेग्रेंस, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही फ्रूटी क्रीमी वनीला का एसेंट है, बहुत ज्यादा प्यारी सी फ्रेग्रेंस है, और इसकी थोड़ी रिफ्रेशिंग, थोड़ी एक्वा सॉर्ट ऑफ है. तो मेंस इसको यूज करे, वुमेन इसको यूज करे, या फिर आप इसको किसी को सेट को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा. यूनिसेक्स परफ्यूम है, हाईली रिकमेंड करूंगी आपको ये. नेक्स्ट मैंने बाय किया है ये चारकोल फेस मास्क, जो कि है अर्बन गबरू का. मैं लोकल चारकोल मास्क यूज नहीं करती हूँ, तो मेरे को एक अच्छा मतलब चारकोल मास्क चाहिए होता है, तो ये मैं यूज कर रही हूँ, और इसके मैं 2-3 बॉटल एम्प्टी कर चुकी हूँ. काफी अच्छा चारकोल मास्क है. स्टार्टिंग में मुझे ना बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी आईज पे जब भी मैं यहाँ पे लगाती थी इसको जैसे, बट अभी नहीं होती, आदत हो गई है मुझे इसकी, समझ गया. नेक्स्ट गाइस, मैंने बाय किया है ये कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर, और ये बिल्कुल पैक्ड है. अभी जो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूँ वो भी कलर बार का है, एंड मेरा ऑल टाइम जो फेवरेट ब्यूटी ब्लेंडर है वो कलर बार का ही है, बिकॉज ये इतना इजीली अच्छे से मेकअप को ब्लेंड करता है. अगर कोई पास से देख रहा है तो भी आपका मेकअप बहुत अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं हम बहुत केकी और ये सब नहीं लगता, और ना ही ये बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को सोक करता है, तो बहुत इजिली ब्लेंड हो जाता है. और 199 समथिंग का आता है, तो काफी अफोर्डेबल भी है, सो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं. और उसके बाद गाइज, मैंने अपने फेशियल हेयर के लिए बाय किया है ये फेशियल रेजर, जो कि है कार्मेसी ब्रांड का.
एंड इसमें तीन रेजर आते हैं, काफी अच्छा है। अगेन ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंस्टेंटली अगर आपको फेशियल हेयर रिमूव करना है, लाइक मुस्टैचेस वगैरह, आईब्रोज को थोड़ा बनाना है, तो आप कर सकते हैं सेट। इससे काफी अच्छा है, बट थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अभी रिसेंटली मेरे आईब्रोज में यहाँ पे ऐसे कट लग गया था, मैं कुछ तो बात कर रही थी या मेरा कहीं तो ध्यान था, मैंने ऐसे मारा और एकदम से कट लग गया था थोड़ा ज्यादा। अभी दिख नहीं रहा, भर चुका है वो कट, एक मंथ हो गया उस बात को। सो ये चीज मैं बता रही, थोड़ा सा ध्यान से करना। ओके, लास्ट प्रोडक्ट है गाइज, ये प्लिक्स का लिप प्रोडक्ट है जो कि काफी प्यारा है। ये है पोमेग्रेनेट प्लम लिप मास्क। ओके, तो लिप्स को ना काफी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, फेस को ही नहीं लिप्स को भी जरूरत होती है। तो आप इस टाइप का लिप मास्क यूज कर सकती है जो कि काफी ज्यादा प्यारा है। मतलब ये इतना प्यारा है ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी कि मन करता है खा जाओ बस इसको, बहुत ही टेस्टी सा है ये। सो ये काफी अच्छा लिप मास्क है, इसको यूज कर सकते हैं। ओवरनाइट यूज करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे ये बहुत ज्यादा थिक है, तो आप डे टाइम में यूज नहीं कर सकते, नाइट में इसको यूज कर लेना। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल, ये था मेरा अमेज़न ब्यूटी हॉल। कैसा लगा डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।